नमस्कार दोस्तों, मैं मधु चावड़ा, द फैक्ट है, मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और करते हैं हम लगातार उन महिलाओं से बात जो कि मीडिया ने सूत्रों का हवाला देकर बहुत कुछ आपको दिखाया, बहुत कुछ झूठा परोसा आपको, लेकिन हम डायरेक्ट उन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हकीकत है डेरा सच्चा सौदा की, क्या रियल फैक्ट है डेरा का। करते हैं उन महिलाओं से बात। नमस्कार मैम, आपका नाम? संतोष। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं? 15 साल से जुड़ी हुई हूं मैं डेरा से। आप 15 सालों से डेरा से जुड़ी हुई हैं, लगातार डेरा में आती रही हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जो कि डेरा में गलत होता हो? कुछ नहीं दिखाई दिया हमने, कोई भी दिखाई नहीं दिया, यहाँ सब कुछ अच्छा दिखाई दिया। आप एक महिला हो, महिलाओं के लिए क्या सेफ्टी है डेरा के अंदर? खूब सेफ्टी है महिला के लिए, कोई भी यहाँ पे महिला को दिक्कत नहीं, सारी सेफ्टी है यहाँ महिला। आज आपका कितना विश्वास है? 100% पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास, मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ सच्चे सौदे से। मेरे दोनों बच्चे गई ने सोच की ड्रेस ले रहे हैं और हर महीने डेरे जाते थे, सेवा करते थे पाने की। मैं भी यहाँ बरनावा भी आती हूँ, सिरसा भी चली जाती हूँ, बालगढ़ भी डेरा बना हुआ है, वहाँ भी जाती हूँ। तो आपका इतना विश्वास होने का क्या कारण है? ये हमारी बीमारी कटी, मेरा कैंसर थी 2 साल पहले, मेरी चेस्ट में गांठ थी, मैंने यहाँ अल्ट्रासाउंड का, डॉक्टर ने कहा आंटी आपके 2 गांठ है, कैंसर के छोटा सा ऑपरेशन होएगा, बोला मैं बाकी आपका अल्ट्रासाउंड करूँगा, सैंपल लेऊंगा, उससे क्लियर होगा। डॉक्टर ने मेरे हाथ बांध दिए थोड़े से, बोला इतना सा दर्द होगा, उसने सैंपल लिया, बोला आंटी आप सो गए, मैं बोली नहीं सोई डॉक्टर साहब, मेरा सैंपल लीजिए। मैंने कहा मेरे MSG डॉक्टर शक्ति सिंह सिसोदिया हेड मास्टर, मेरा सैंपल आप ही लेना, मैं सिमन करते रही। डॉक्टर ने मेरा सैंपल लिया तो मेरी गांठ गायब हो गई। उसने मेरे बेटे को बुलाया, बाहर मेरा बेटा खड़ा हुआ था, बोला नितिन अम्मा की गांठ गायब होगी है। डॉक्टर ने मेरा फोन नंबर लिया मेरे बेटे से, अपना दिया, उसको मेरे को चाय पिलाई, बोला अम्मा सुबह से भूखी होगी। मैं बोली नहीं डॉक्टर साहब मैं चाय नहीं पीऊँगी। बोले नहीं अम्मा पी के जाना। डॉक्टर ने हमारे घर फोन करा, 4 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मेरे पास फोन करना नहीं थी, मेरे बेटे को कहा। रिपोर्ट आने से पहले डॉक्टर का हमारे घर फोन आ गया, मेरी आंटी की कैसे रिपोर्ट है, बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आई मेरी। हम इतना विश्वास करते हैं डॉक्टर पे, पिताजी पे। अभी आपने सुना कैस किस तरह इन्होंने बताया कि इनके पास सारी रिपोर्ट्स अभी भी हैं, किस तरीके से इन्होंने मेडिटेशन किया बाबा जी का दिया हुआ और उससे निगाह कैंसर गायब हो गया। ये जीते जागता गवाह है हमारे पास, जिन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से इनका कैंसर जैसी भयानक बीमारी गायब हो गई सिर्फ मेडिटेशन की वजह से। और बताइए कि जिस तरीके से मीडिया ने दिखाया कि अब यहाँ पे लोग बहुत कम हो गए हैं डेरा में आना, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई कम नहीं हुआ है, वो तो कोई एक एक जीव नाम ले हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उनको भाई प्रभाव तो पड़ेगा। एक बार अब आने लग रही है संगत बहुत ज्यादा। आप मानवता भलाई के कार्य पहले क्या करते थे, क्या वो आज भी कर रहे हैं? हाँ हम आज भी कर रहे हैं वही कार्य, जो पहले कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं। क्या आप आगे भी डेरा सच्चा सौदा आती रहेंगी? आते रहेंगे। समाज को आज कितनी जरूरत है बाबा जी की? आज समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है, बाबा ने इतने कार्य अच्छे अच्छे करवाए हैं, मानवता भलाई के कार्य, खून दान, आंखें दान, गुर्दा दान, सब कुछ सिखाया है। अब सरकार से क्या अपील करना चाहूंगी? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे गुरु जी है, उन पर पूरा विश्वास है। हमारे घर में इतनी खुशी आ गई बहुत ज्यादा, मेरे घर में इतनी गरीबी थी, आज मेरे घर में गाड़ी भी है। ये है हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा में की जुड़ी हुई 15 सालों से वो अनुयायी जो लगातार डेरा से जुड़ी हुई है और आज भी डेरा सच्चा सौदा में उपस्थित है। किस तरीके से उन्होंने बताया कि इनके साथ कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, किस तरीके से गुरु ने इनके जिंदगी बख्शी है, तो इनका विश्वास क्यों ना हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।